अग्रवाल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की जिलाधिकारियों के साथ बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक, सीएम ने जिलाधिकारी को दिए निर्देश। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की तैयारियों में जुटा प्रशासन, सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश, 18 मई को खुलेंगे भगवान बद्रीनाथ के कपाट। हैदराबाद में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, बिना परमिशन खुलेआम अवैध काम, थरूले से जारी प्रशासन की हर कोशिश हुई नाकाम। रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में की याचिका दायर, 26 आयतों को हटाए जाने की उठाई मांग, उप जिलाधिकारी के कार्यालय के परिसर में इकट्ठा हुए लोग। चलिए खबरों से करेंगे शुरुआत। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि हर हाल में सरकार जनता के द्वार परिकल्पना को साकार किया जाएगा, साथ ही कहा कि अधिकारियों का जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद होता रहना चाहिए, साथ ही जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, जिनसे लोगों को सीधा लाभ मिले, जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान हो सके, इसके लिए बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। आने वाली गर्मियों के सीजन को देखते हुए निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को पेयजल की दिक्कत ना हो, इसके लिए जरूरी होने पर वैकल्पिक व्यवस्था भी कर ली जाए। बताते चले कि शिक्षा हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी पर है, इसलिए ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि अगले 6 महीने में सभी स्कूलों में पेयजल, शौचालय, फर्नीचर, बिजली की सुविधाएं हों। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि हर हाल में सरकार जनता के द्वार परिकल्पना को साकार किया जाए, साथ ही कहा कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार संवाद रहना चाहिए, जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, जिनसे लोगों को सीधा लाभ मिल सके और जनता की समस्याओं का जल्द ही समाधान हो सके। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित नौटियाल फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, जब से उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री मिला है, तब से हम देख रहे हैं कि तीरथ सिंह रावत काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक समीक्षा बैठक की है, क्या कुछ इस दौरान निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ अहम मुद्दे रहे जिसको इस बैठक के दौरान उठाया गया? बिल्कुल पूजा, मैं बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हो गए। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके पास कम समय बचा है, 2022 में चुनाव होने, तो इसके मद्देनजर उन्होंने देखा है कि अब जो विकास रफ्तार जो रुकी है उसको आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। अगर दूसरी बात की जाए तो लगातार इन दिनों वो कुंभ के मेले की बात हो और चाहे किसी विभाग की समीक्षा, कोई मौका ऐसा छोड़ नहीं रहे हैं, सभी विभागों को जो वहां की समस्या उसको दुरुस्त करने के निर्देश दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो सचिवालय में मुख्यमंत्री ने आज यहाँ पर बैठक ली और तमाम जो जिला 13 जिले यहाँ उनके जिलाधिकारी, विकास मुख्यमंत्री ऐसे सभी इस बैठक में उपस्थित रहे। उन्होंने सभी लोगों से समन्वय, आपसी समन्वय बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ उन्होंने कहा है कि वो चाहे आपसे वन विभाग की बात की, चाहे पशु विभाग, सभी विभाग के जितने विभाग है, पेयजल विभाग या कौन से विभाग, उनको लेकर समीक्षा बैठक करें। इसके साथ अब गर्मी आने वाली, इसको लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी अगर पानी की कमी उससे दुरुस्त किया जाए। अगर बात की जाए तो इन दिनों जो पहाड़ों में कहीं कहीं ऐसी समस्या आ जाती है कि पहाड़ों में ये पेयजल विभाग या जल संस्थान विभाग द्वारा टैंकरों से पानी पहुंचाया जाता है, तो इसके लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द यहाँ सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि आज जो गर्मी पड़ती है उसमें पानी को समस्या दूर की जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो वैकल्पिक व्यवस्था है, जो पानी का कनेक्शन, उसको लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। इसके साथ उन्होंने कहा है कि विशेषकर जैसे स्कूल में या पेयजल या शौचालय, फर्नीचर आदि जो तमाम प्रकार की सुविधाएं होती है स्कूल में, कई जगह ऐसे हैं कि लोग गरीबों में बैठने के लिए मजबूर, तो इसको लेकर भी उन्होंने निर्देश किया। बिल्कुल भगत सिंह, अगर बात की जाए तो कुंभ मेले के लेकर भी वो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और इसमें खुद स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और उन्होंने जो आज अधिकारियों से निर्देश दिए हैं कि जैसे जो चार धाम यात्रा की बात की जाए, पर्यटन सीजन, उसको लेकर भी वो तमाम प्रकार की रणनीति बना रहे हैं और विशेषकर जो चार धाम में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी उन्होंने निर्देश दिए हैं।
जी बिल्कुल अमित, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो नए मुख्यमंत्री हैं वो लगातार पेयजल की समस्याओं पर और शिक्षा की जो नीति है उसको लेकर ज्यादा बल दे रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ रणनीति सरकार की है जो शिक्षा की व्यवस्था और ज्यादा बेहतर हो सके और जो पेयजल की समस्या है उससे जनता को निजात मिल सके? बिल्कुल पूजा, अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो स्वरोजगार के माध्यम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो योजनाएं थी उनको आगे बढ़ाने का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत काम कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो स्वरोजगार योजना है, वो चाहे होम स्टे की बात की जाए या स्पिरुल ऊर्जा की बात की जाए या तमाम प्रकार के जो सरकार ने लोन दिए वो किसानों की बात की जाए या फिर स्वरोजगार लड़कों की, उसके लेकर भी समीक्षा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने जो कोविड काल चल रहा था उस समय काफी लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए थे तो उन्होंने वापस करने की जो प्रक्रिया उसको जारी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जिन पे मुकदमे हो रहे हैं तो इनको लेकर भी मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो यहाँ पर चार धाम की यात्रा विशेषकर अब मई जून में स्टार्ट हो जाती है उसको लेकर केदारनाथ की बात की तो केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात की जाए तो ये 16-17 मई यहाँ कपाट खोले जाते हैं, इसको लेकर हम निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ पेयजल विभाग की जो बात की जाए तो पेयजल विभाग में यहाँ पर इससे पूर्व जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह, उन्होंने जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें 1 रुपए का कनेक्शन देने की बात कही थी और जो शहरी क्षेत्र है तो उसमें 100 रुपए कनेक्शन देने की बात की है। तो इसमें जो जल मिशन के अंतर्गत ये काम कराए जा रहे थे तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द ये व्यवस्था दुरुस्त की जानी चाहिए। और जो दूसरी बात की जाए जो स्वरोजगार की बात है तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो सरकार द्वारा लोन दिए गए थे किसी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उनकी समस्याओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ जो जिलाधिकारी है उनको भी ये निर्देश किया है कि जहां भी अगर कुछ भी खामियां पाई जाती है तो इसको दुरुस्त किया जाए। और उसके साथ जो कुंभ मेला को भी यहाँ पर विशेष जोर दिया जा रहा है क्योंकि ये 12 वर्ष बाद आयोजित होता है तो इसको लेकर तमाम प्रकार की उन्होंने जानकारी दी है और जो समीक्षा उन लोगों अधिकारियों से समीक्षा कर की बात की। और इसके साथ जो ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस के तहत यहाँ पर कई कार्य जो विभाग है उनको ई गवर्नेंस के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको लेकर भी लगातार सीएम यहाँ पर अभी कम समय अभी उन्हें लगभग 1 हफ्ता बन गए सीएम बने हुए लेकिन तुरंत एक्शन मोड में आ गए क्योंकि उनके पास कम समय है तो इसके जो कम समय उन्हें ज्यादा काम करना है तो इसको लेकर लगातार वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल अमित, जिस प्रकार से आपने बताया कि तमाम कोशिशें की जा रही है जनता की समस्याओं को निपटाने के लिए, नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता को कोई समस्या ना हो, गर्मी का सीजन आने वाला है इसको लेकर पेयजल व्यवस्था और ज्यादा दुरुस्त किया जा रहा है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया हुआ है, चलो आपको दिखाएंगे। और साथ ही तीरथ सरकार कर रही है त्रिवेंद्र सरकार के निर्णय को बदलने पर विचार। सीएम तीरथ सिंह रावत देवस्थानमन बोर्ड को लेकर करेंगे पुनर्विचार। सीएम तीरथ सिंह रावत जल्द ही तीर्थ पुरोहितों के साथ करेंगे विचार विमर्श। अधिकारियों के हक हकूक को सुरक्षित रखा जाएगा। चलिए अब आपको सुनवाएंगे कि आखिर तीरथ सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है। राजस्थान बोर्ड के लोग खुद ही कुछ दिनों बाद बुलाने वाला सारे जिले हैं। पहली बात तो ये है कि उनके हक हकूक यथावत रहेंगे और बने रहेंगे और जो दिक्कतें कठिनाई होंगी उसको पुनर्विचार हम लोग करेंगे। रुख करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर सरकार तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि इस बार भगवान बद्रीनाथ के कपाट 18 मई को खुलेंगे और केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। हालांकि अभी गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने की तारीख तय नहीं हुई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी चार धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल तक यात्रा की दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं पूरी की जाए, कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की स्थिरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा और 1 महीने में कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर सरकार तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि इस बार भगवान बद्रीनाथ के कपाट 18 मई को खुलेंगे और केदारनाथ धाम के कपाट
17 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। हालांकि अभी गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने की तारीख तय नहीं हुई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी चार धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 अप्रैल तक यात्रा की दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं, कार्य के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी ढीला रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना इसमें जरूरी है, एक महीने में कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक मीटिंग बिठाई जिस दौरान जिलाधिकारियों के साथ ही मीटिंग की गई और समीक्षा की गई कि आखिर चार धाम यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा चुकी है, क्या कुछ तैयारियां आगे बाकी है जिनको एक महीने में अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिलाधिकारियों को दे दिए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, चारधाम यात्रा के लिए जो श्रद्धालु हैं अब कपाट धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं चारधाम यात्राओं के, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? जी पूजा, बिल्कुल, अब जो है चारधाम यात्रा जो है अब शुरू होने वाली है और लगातार सरकार अब तैयारियों में जुट गई है। क्योंकि अगर पूर्व की हम बात करें पूजा, तो पिछले वर्ष जो है कोविड के चलते जो उत्तराखंड की जो विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा है वो काफी प्रभावित हुई थी और यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो कोविड के कारण पर्यटन, क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड पर्यटन के लिए जाना जाता है और उत्तराखंड में जो है पर्यटन यहाँ का जो है मूल व्यवसाय है, तो काफी कोविड के दौरान जो है काफी प्रभावित हुई थी अर्थव्यवस्था कोविड के चलते। लेकिन इस बार प्रयास लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से सरकार अपने जो है चार धाम यात्रा की जो है युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। जो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की अगर बात करें, केदारनाथ के धाम के जो है 17 मई को कपाट खुल जाएंगे और 18 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे और आगे जो दो धाम बचे हैं यमुनोत्री और गंगोत्री उनकी अभी फिलहाल जो है तिथि तय नहीं हुई। लेकिन हर साल जो परंपरागत रूप से जो है अक्षय तृतीया के दिन जो है यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम के कपाट खुले जाते हैं, तो सरकार इसमें तैयारियों में जुट गई है। आज खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हैं जो उन्होंने समीक्षा की है, जो चार धाम की जो व्यवस्थाएं हो, चाहे वो सड़कों से संबंधित हो या फिर जो पैदल मार्ग है या फिर पेयजल की व्यवस्था हो, यात्रियों को किसी भी प्रकार की जो है दिक्कतों का सामना न करना पड़े, तो इसके लिए संबंधित जितने जो अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि 30 अप्रैल तक जो सभी व्यवस्थाएं हैं उनको पूर्ण कर लिया जाए। अगर इस कार्य में जो चार धाम यात्रा कोई अधिकारी शिथिलता बरतता है तो उन पर जो है सख्त बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल विकास, जिस प्रकार से अभी आपने जिक्र किया कोरोना का कि पिछले साल कोरोना के कारण जो केदारनाथ था, बद्रीनाथ था, इसका कपाट नहीं खोल पाया था, श्रद्धालुओं को काफी ज्यादा समस्या हुई थी। हालांकि कोरोना काल अभी भी है लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब लोगों को निजात दिया जा रहा है, तो इस साल कोरोना काल के दौरान जनता को क्या कुछ निजात दिया जाएगा, श्रद्धालु के क्या कुछ इस दौरान प्रोटोकॉल होगा जिसका पालन करते हुए श्रद्धालु चार धाम की यात्रा कर पाएंगे? जी पूजा, बिल्कुल, जिस तरीके से जो है पूर्व में पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल जो चार धाम यात्रा थी वो हालांकि बाद में फुल अनलॉक के दौरान खुल चुके थे, लेकिन जो राज्य उत्तराखंड के जो निवासी है वो सिर्फ वहां पर जा सकते थे और उन पर कोविड के रिपोर्ट लानी होती थी। बीच बीच में फिर सरकार ने उसमें संशोधन किया, जो स्थानीय निवासी है उनको जाने दिया, फिर बाहर के जो आने वाले जो तीर्थयात्री है वो भी पहुंचने लगे, लेकिन कोविड के रिपोर्ट के बीच में उनको जो कोविड के नियम है उनमें उनको चार धाम यात्रा दर्शन कर सकते थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से जो है सरकार तैयारी में जुट गई है, हालांकि अभी इसकी जो देवस्थानम बोर्ड है और जो राज्य सरकार है उसकी एसओपी जारी करो कि इस बार के क्या मानक होंगे, लेकिन एक आसार ये भी जताए जा रहे हैं कि जिस तरीके से कुंभ मेले में जो नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत है उन्होंने ये कहा कि कोई भी कुंभ में आ सकता है, किसी को कोरोना रिपोर्ट लाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा सबको। लेकिन उसी तर्ज पर अगर देखा जाए तो जो चार धाम यात्रा है हालांकि उसमें अभी कोई शासन या सरकार की तरफ से कोई ऐसा एसओपी जारी नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से आपने काफी अच्छी खबर हमारे श्रद्धालुओं को दी कि 18 तारीख से बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे और उससे पहले 17 मई को केदारनाथ के कपाट भी खुल जाएंगे, श्रद्धालु के लिए आसान होगा अब चार धाम की यात्रा कर पाना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चले रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नगर के श्री रामलीला मैदान में चल रही रामकथा के सप्तम दिवस प्रख्यात कथा वाचिकार राधिका केदार खंड की ने भगवान राम लक्ष्मण के साथ सूपनखा संवाद के साथ साथ सीता हरण और सीता की खोज में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदेश पर
वानर सेना ने समुद्र में पुल बांधने के बाद समुद्र पार उतरकर लंका नगरी में प्रवेश तक का वर्णन किया। आपको बता दें कि राम लक्ष्मण का वर्णन कथा सुनकर श्रद्धालु भाव विरोध हो गए, साथ ही जय श्री राम के जयकारों के साथ पंडाल गूंजने लगा। वहीं इस मौके पर प्रख्यात कथावाचक का राधिका केदार खंडी कार्यक्रम आयोजन पूजन पूनम मंझारिया सह आयोजक नुपुर गुप्ता ने मीडिया कर्मियों को सम्मानित भी कराया गया। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम IIP देश में बायोफ्यूल के उत्पाद की तेजी देगा। इसके लिए संस्थान देश भर के 60,000 बायोफ्यूल प्लांट लगाएगा। संस्थान में खाद्य विभाग और सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के साथ मिलकर होटल के अलावा शहरी और ग्रामीण इलाकों से भी इस्तेमाल खाद्य तेल एकत्रित करने का निर्णय लिया गया है। इससे बायोफ्यूल बनेगा। आपको बता दें कि काशीपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज आत्रे ने बताया कि बायोफ्यूल बनाना चाहे बनाने की जितना ही आसान है। उन्होंने बताया कि इकट्ठा किए गए अनुपयोगी खाद्य तेल में मेथेनॉल मिलाया जाता है। पानी का बॉइलिंग प्लांट 100 डिग्री सेल्सियस होता है और मेथेनॉल का 65 डिग्री सेल्सियस इस तापमान तक पहुंचते ही तेल और मेथेनॉल उबलने लगता है। इसमें एक पेटेंट सॉल्वेंट डाला जाता है और चंद मिनटों में ये बायोडीजल में बदल जाता है। देहरादून में IIP परिसर में लगाए गए प्लांट में प्रतिदिन 200 लीटर बायोफ्यूल बनाया जा रहा है। अब इसे व्यावसायिक रूप से स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। एक डाटा अवेलेबल है, लगभग 100 मिलियन टन डीजल की खपत हिंदुस्तान में है आज की डेट में। तो UCO जो है 22 से 25 मिलियन टन यूज कुकिंग ऑयल इंडिया में यूज कुकिंग ऑयल की खपत होती है। और जो MoPNG मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस है और हमारी FSSI है, उसने टारगेट रखा कि 3 से 4 मिलियन टन भी UCO को बायोफ्यूल में कन्वर्ट कर पाए, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कैप्टी फॉल में व्यापार मंडल कैप्टी फॉल के अध्यक्ष सुंदर सिंह रावत की देखरेख में व्यापारियों के सामने एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कैंप्टी फॉल में आने वाले सीजन में पार्किंग, स्वच्छता, पीने के पानी की कमी, पर्यटकों के साथ अच्छा बर्ताव करने और दिन के समय बड़े बड़े भारी वाहन डंपरों को न चलाने को लेकर अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कैंप्टी थाने के थाना अध्यक्ष नवीन जुराल ने भी व्यापारियों को आगामी पर्यटन सीजन को लेकर उनके बिंदुओं को साझा किया। सभी व्यापारियों को यातायात नियमों के पालन के लिए पुलिस के सहयोग करने की बात कही गई। जैसा कि आपको मालूम है कि आगामी सीजन जो है शुरू होने वाला है, व्यापारियों को एक साथ इकट्ठा करना, उनको सीजन के इंस्ट्रक्शन देना कि कहां पर क्या काम होना है, वो हमने व्यापारियों की शिकायतें भी सुनी। हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, पुलिस की प्राथमिकताएं हमने गिना दी है। पुलिस की प्राथमिकता में यह है कि कोई भी जो दुकानदार जो यहां पर कैंप के जो स्थानीय दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, कोई भी अपने प्रतिष्ठान के आगे अपनी बाइक या अन्य वाहन कोई खड़ा नहीं करेगा, जिससे कि अनावश्यक आवागमन में। और विधानसभा पिरान कलियर के ग्राम रामपुर में स्थित मदरसा इरफान उल अलूम में वार्षिक जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौलाना हुसैन अहमद दारुल उलूम और देवबंद मुफ्ती मुदस्सिर साहब दारुल जकरिया देवबंद मौलाना फारूक साहब शाही इमाम भुगले देही ने शिरकत की और क्षेत्र विधायक हाजी फुरकान अहमद भी जलसा आयोजन के समय उपस्थित रहे। आपको बता दें कि रामपुर स्थित मदरसा इरफान उल अलूम में हर साल एक सालाना जलसे का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश की अमन शांति, भाईचारा, उन्नति और तरक्की के लिए दुआ की जाती है। लेकिन कोरोना काल के चलते पिछले साल जलसे का आयोजन स्थगित कर दिया गया था और इस साल भी कोरोना की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करते हुए सीमित मेहमानों को ही जलसे का न्योता दिया गया। तो इसी क्रम में जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें देश की अमन शांति, उन्नति और तरक्की के लिए दुआ की गई। वहीं पर उपस्थित प्रधानाचार्य मदरसा इरफान उल
उलूम मौलवी नसीर अहमद कासमी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार सालाना जलसे में सीमित संख्या में ही मेहमानों को न्योता दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मदरसों की स्थापना अच्छी शिक्षा के लिए की जाती है और शिक्षार्थियों को सच्चाई के रास्ते पर चलने के गुण सिखाए जाते हैं। सकती है और हर साल यहाँ सालाना जलसा होता है, लोग जमा होते हैं और लोगों को मुल्क की भलाई के लिए यहाँ सिखाया जाता है, अच्छे के ऊपर चलना सिखाया जाता है। आज भी उसी सिलसिले के कड़ी सालाना जलसा हो रहा है जो हर साल होता है, जो काफी पुराना मदरसा है, आज यहाँ पर सालाना झरसा हो रहा है क्योंकि इस बार कोरोना का कोरोना फैला हुआ है, उसकी वजह से बहुत सीमित और जिम्मेदार बच्चों के लिए यहाँ पर झरसा आयोजित किया गया है। इसमें दुआएं होगी हमारे प्रदेश के लिए, गांव के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआएं होगी। और सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने से संबंधित एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। वसीम रिजवी के इस कदम से मुस्लिम समाज का गुस्सा भड़क गया है। वहीं आज भीम आर्मी जिला हरिद्वार महासचिव परवेज सुल्तान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पिरान कलियर में वसीम रिजवी का पुतला फूंका और नारेबाजी करते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। बताते चले कि भीम आर्मी के जिला महासचिव परवेज सुल्तान ने कहा कि वसीम रिजवी के बहिष्कार के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाने का भी आह्वान किया गया। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी वसीम रिजवी के इस तरह की हरकत से पूरे मुस्लिम समाज में रोष है और कहीं न कहीं एक समुदाय विशेष के मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। वसीम रिजवी के लिए ये कहना चाहूंगा कि जब जान को खतरा हो तो सदका देकर जान बचाई जाती है और जब दीन को बचाने वाली बात आ जाती है तो जान देकर दीन बचाया जाए। और वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाए जाने की याचिका से नाराज होकर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उप जिलाधिकारी काशीपुर कार्यालय परिसर में इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज वसीम रिजवी के खिलाफ बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दरअसल वसीम रिजवी ने इस्लामिक पवित्र किताब कुरान को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाए जाने की याचिका दाखिल किए जाने से मुस्लिमों में खासा आक्रोश है। बताते चले कि देश में हर जगह मुसलमान वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं काशीपुर में भी इकट्ठा मुसलमानों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भेज वसीम रिजवी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन दिया गया है, इसमें एक वसीम रिजवी साहब हैं, उनके द्वारा कुरान शरीफ को लेकर कुछ टिप्पणी की गई है उसके आयतों को लेकर, तो उसके विरोध में स्थानीय मुस्लिम समाज के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम से संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। अध्यक्ष हैं वसीम रिजवी साहब, उन्होंने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ इस तरह के संघ आयोजन करते रहते हैं, और भी कई लोग हैं जो धर्म को लेकर के उल्टी सीधी बातें करते हैं। इन्होंने 26 आयतों को लेकर के जो बयान और कोर्ट में जाने का काम किया ये बिल्कुल गलत किया है, ये अपने आपको गलत मैसेज है, हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे और ऐसी चीजों के लिए ऐसे लोगों को जेल में भेजना है। अगली खबर हैदराबाद के सुमन नगर चौकी क्षेत्र से है, जहां पुलिस चौकी से मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पर हरे भरे गेहूं के खेत में भूमाफियाओं ने खुलेआम अवैध मिट्टी भरवा का कार्य बिना किसी परमिशन के किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने जुर्माना मिट्टी भराव करने वाले भूमाफियाओं पर कई बार लगाया जा चुका है, उसके बाद भी अवैध खनन करने वाले माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अवैध काम धड़ल्ले से जारी है। हैदराबाद की एक खबर, जहां सुमन नगर चौकी क्षेत्र से पुलिस चौकी से मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पर हरे भरे गेहूं के खेत में भूमाफियाओं ने खुलेआम अवैध मिट्टी भराव का कार्य बिना किसी परमिशन से कर रहे हैं। वहीं प्रशासन ने जुर्माना मिट्टी भराव करने वाले भूमाफियाओं पर कई बार लगाया जा चुका है, उसके बाद भी अवैध खनन करने वाले माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि आप खुद देख सकते हैं कि आखिर कैसे चौकी से मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पर ही इस प्रकार का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। मिट्टी की ढुलाई की जा रही है, हरे भरे गेहूं वहां पर उगाए गए हैं, बावजूद इसके भूमाफियाओं द्वारा वहां पर
अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर कई बार जुर्माना भी लगाया जा चुका है माफियाओं पर पुलिस द्वारा। बावजूद इसके हौसले इतने बुलंद हैं कि भूमाफिया जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और प्रशासन को खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। चलिए उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।